एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज फल कथन के सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से एक तरफा प्रेम जो आपकी कुंडली में बनता है उसको आप अपनी कुंडली में कैसा देख सकते हैं, इसकी संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास करेंगे। हम आजकल बहुत ऐसा देख रहे हैं कि जो भी जातक और जातिका है या इनकी कुंडली में ऐसे कौन से योग बनते हैं जो ये दर्शाता है कि जातक और जातिका का एक तरफा प्रेम है, अपनी ओर से ही प्रेम है, तो उसको कुंडली में कैसा देखा जाता है। तो सर्वप्रथम आपको जो भी लग्न हो आपका, तो उसमें देखिएगा कि ये जो पहला भाव है वो आपका खुद का होता है, दूसरा पांचवा भाव जो है वो प्रेम का भाव होता है, सातवां भाव है वो व्यापक जीवन का होता है, और ग्यारहवा भाव इच्छा फुलफिलमेंट होती है। तो इस तरह से पहला भाव, पांचवा भाव, सातवां भाव और जो बारहवा भाव है, यहाँ पे अगर आपका चंद्र और शुक्र की युति बनेगी तो ये दर्शाता है कि जो जातक और जातिका है, जो स्त्री या पुरुष है, लड़का या लड़की है, वो एक तरफा ही प्रेम करता है, ये दर्शाता है। तो क्योंकि चंद्रमा जो है मन का कारक है, शुक्र प्रेम का कारक है, और मन और प्रेम कि जब युति होती है लग्न वाले भाव है ना आपका व्यक्ति, तो आप खुद हैं, तो अगर यहाँ पे होगी तो इस तरह का प्रभाव आ गया कि आप एक तरफा प्रेम करेंगे। ऐसा पांचवा भाव प्रेम का भाव है, यहाँ पे चंद्र सूर्य की जैसे यहाँ युति बनी हुई है, तो ये दर्शाता है कि जो जिनकी भी कुंडली में ऐसा योग बना है तो वो आप स्वयं में एक तरफा ही प्रेम कर रहा है, ये विवाह का भाव है। अगर यहाँ पे चंद्र और शुक्र की ऐसी युति बन रही है आपकी कुंडली में, वो भी यही दर्शाता है। और ये ग्यारहवा भाव है, अगर यहाँ पे भी इस तरह से चंद्र शुक्र की युति बन रही है तो वो दर्शाता है एक तरफा प्रेम। तो आप जो भी लग्न के जातक हो, चंद्र मन का कारक, शुक्र प्रेम का कारक, इनकी जब भी युति इन भावों में, पहले भाव, पांचवें भाव, सातवें भाव, ग्यारह भाव में होगी तो जातक एक तरफा प्रेम दर्शाता है। तो आप जान गए होंगे कि किस तरह आप अपनी कुंडली में इस तरह के योगों को देख सकते हैं कि जो आपकी कुंडली में, तो आप अगर ऐसा योग है तो ये दर्शाता है कि आपका एक तरफा प्रेम है। तो आप आज हमने जो बात की कि फल कथन में एक सरल सा तरीका देखा कि चंद्र शुक्र की अगर युति पहले पांचवें, सातवें और बारहवें भाव में होगी तो ये चीज़ दर्शाती है। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा था, हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जब भी हमारे वीडियो अपलोड होंगे तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन होगी, आप परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपको हमारे चैनल अच्छी लगी, वीडियो सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।